वीवो वाई 15 जिसने कि मार्केट में एक अलग ही तहलका मचा रखा कि वीवो वाई 15 कैसा है, क्या लेना चाहिए, नहीं क्या लेना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वीवो वाई 15 के जो फीचर्स दिए हुए हैं, मतलब जो भी इसके फीचर्स दिए हुए हैं, हिडन फीचर्स कह लीजिए या फिर जो भी इसमें फीचर्स दिए हुए हैं, मैं आपको सारे बताने वाला हूँ। उन सबका उपयोग आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इन इन फीचर्स का उपयोग में ले सकते हो। सबसे पहले अगर आप पर्सनल पर्सनल हॉटस्पॉट में जाते हो तो पर्सनल हॉटस्पॉट में कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे डेटा यूज की लिमिट दी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप किसी को हॉटस्पॉट अपना देते हो तो यहाँ पे आप लिमिट सेट कर सकते हो कि आपको कितनी लिमिट में, मतलब कितना डेटा उनको शेयर करना है। उसके बाद में ऑटोमेटिकली हॉटस्पॉट बंद हो जाएगा या फिर इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। इवन यहाँ पे कनेक्शंस का ऑप्शन दिया हुआ है, 8 कनेक्शन बाद में ऑटोमेटिकली हॉटस्पॉट रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा बात है। इवन काफ़ी अच्छा मोड भी इसमें दिया हुआ है कि टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली। ये फीचर तब काम में आता है जब आपका फ़ोन हॉटस्पॉट ऑन और आप सो गए हो या फिर कोई फ़ोन कनेक्टेड नहीं है, बिना बात के ही हॉटस्पॉट ऑन होके बैटरी ख़राब होती है। तो उस केस में आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं और आपकी बैटरी सेव कर सकते हैं। अदर शेयरिंग मोड इसमें दिया हुआ, अगर आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं अपने लैपटॉप वगैरह पे ब्लूटूथ वगैरह से और हॉटस्पॉट वगैरह से इंटरनेट चला सकते हो। OTG का मोड दिया हुआ, जैसे कि आप सब जानते हो OTG इनेबल करने के बाद में आप इसमें यूज़ कर सकते हो सारी चीज़ें जो कि पेन ड्राइव वगैरह या फिर कोई माउस वगैरह। यहाँ पे स्टेटस एंड नोटिफिकेशन बार में काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आप कोई काम कर रहे हो उस टाइम आपको कोई डिस्टर्बेंस ना करें, बैनर्स नहीं आए, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। नो प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको शो नहीं करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे वेकअप रिमाइंडर का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब आपका कोई पर्सनल नोटिफिकेशन आता है आपको तो आप इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आप नोटिफिकेशन को रिमाइंड करना चाहते हो तो इसको ऑन कर सकते हो। उसके बाद में आपको वो बार बार, जैसे आप फ़ोन को लॉक करोगे या फिर फ़ोन को उठाओगे, तो उसी टाइम में आपको नोटिफिकेशन शो करेगा। यहाँ पर नेटवर्क स्पीड का फीचर दिया हुआ, अगर आप इसे इनेबल करते हो तो यहाँ पर आपके स्टेटस बार में आपकी जो नेटवर्क स्पीड है, मतलब जो भी डेटा यूज़ कर रहे हो आप, उसकी जो स्पीड है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। बैटरी परसेंटेज ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज आप आउटसाइड द बैटरी कर सकते हो, इनसाइड द बैटरी कर सकते हो, फिर हटा सकते हो। और नोटिफिकेशन रिमाइंडर का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे आप फ़ोन को उठाते हो उस टाइम भी आपको नोटिफिकेशन शो करेगा। इवन आपको अगर किसी नोटिफिकेशन का बार बार नोटिफिकेशन चाहिए, मतलब मान लो आप मीटिंग में हो, तो उसका थोड़ी देर बाद में वो रिमाइंड कर देगा। ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, नेविगेशन कीज या नेविगेशन गेस्चर अगर आप इनेबल करते हो तो इसमें ये होगा कि जैसे मैंने यहाँ पर हैबिट ट्राई किया तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे इनको ट्रायल करना है आपको, उसके बाद में ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे एग्जिट करने के लिए आपको इसको प्रेस करना है और ये आप देख सकते हो तीनों बटन्स हैं वो गायब हो चुके हैं। सिंपली आपको ऐसे करना है, सिंपली आपको ऐसे करना है, और उसके बाद में आपके जो स्वाइप करके आप उनसे बाहर निकल सकते हो और उनमें जा सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसे हटा देता हूँ। और यहाँ पे ये ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आपको कौन सा ऑप्शंस रखना है, मतलब मान लीजिए इनके बटन्स चेंज करना है या फिर ये ऑप्शंस चेंज करने हैं। इवन कलर भी आप चेंज कर सकते हो इनका नोटिफिकेशन बार का, पर वाइट रहे तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि वाइट में क्लीननेस दिखाई देती है। और आगे चलें तो जो भी का फीचर इनका खुद का दिया हुआ है, इसमें स्मार्ट कैमरा दिया हुआ है। अगर आप वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप कोई फोटो वगैरह भी कैप्चर कर रहे हो, वीडियो कॉल भी कर रहे हो, तो स्मार्ट फेस ब्यूटी का ऑप्शन ये होगा कि आपकी वीडियो कॉल वगैरह या फिर जो भी फोटो आप कैप्चर करते हो ऑटोमेटिकली AI के थ्रू उस फोटो को गोरी कर देगा। और आप जितने भी कैसे भी हो, पर आपको, आप मान लीजिए अपनी गर्लफ्रेंड या किसी के साथ में वीडियो कॉल कर रहे हो, तो आपको गोरापन महसूस कराएगा। ये स्मार्ट सीन का फीचर दिया हुआ है। स्मार्ट सीन में ये होगा कि जो भी फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, जो भी स्मार्ट वगैरह, तो उनको वो डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद में आपको बता देगा कि नोटिफिकेशन शो करेगा कि आपको भाई कौन सा फीचर चल रहा है, या फिर जैसे मान लीजिए स्पोर्ट के टाइमिंग है या फिर जो भी आप मूवी देख रहे हो, तो सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले पे शो करेगा और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। गेम क्यूब का फीचर दिया हुआ है, इसमें गेम क्यूब इनेबल करने के बाद में ये होगा कि अभी फिलहाल मैं इनेबल नहीं कर रहा हूँ, इनेबल करने के बाद में ये होगा कि आप गेम क्यूब जैसे इनेबल करते हो तो आपको फ़ोन एक अलग ही मोड में चल जाएगा। उसमें आप गेमिंग वगैरह सारी चीज़ें बिंदास कर सकते हो, कोई नोटिफिकेशन आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप पबजी खेल रहे हो, आपकी कोई भी आपको परेशान कर रहा है, आपकी प्रियजन, वो आपको परेशान नहीं कर पाएगी। डू नॉट डिस्टर्ब मोड का फीचर दिया हुआ है, ये काफ़ी कमाल का फीचर लगता है। इसे इनेबल करने के बाद में ये होता है कि जैसे यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करने के बाद में मुझे कोई भी कॉन्टैक्ट अगर मुझे मैसेज या कॉल करता है तो सिंपली मुझे उसका मैसेज रिसीव नहीं होगा, मतलब रिसीव तो होगा पर वो शो नहीं करेगा, ताकि मैं अलग ही दुनिया में होऊंगा तो उसमें वो डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा आपको, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे रिपीट कॉल का फीचर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई फ़ोन आपको बार बार आ रहा है तो वो उस टाइम पे शो कर देगा कि यार ये फ़ोन आपको बार बार आ रहा है तो आप उठा लीजिए, हो सकता है कोई परेशानी हो। और इसमें कोई ज़्यादा खास फीचर नहीं है। तो चलते हैं बैक स्क्रीन में, लॉक स्क्रीन में चलने के बाद में, इसमें लॉक स्क्रीन वगैरह आप चेंज कर सकते हो, लोकेशन पोस्टर या लोकेशन सेटिंग वगैरह, ये भी कोई खास नहीं है।
चलें यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ फायर सेफ बॉक्स। फायर सेफ बॉक्स में ये होता है, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड लगाए, 1 2 3 4 5 6, और इसमें ये होगा कि जैसे आप कोई पहले आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इसमें कोई फ्रेंड वगैरह किसी का नाम डाल दीजिए उसमें, बाद में इसमें आपके जो पर्सनल फाइल्स है या फिर जो भी चीज़ें हैं आप उनको रख सकते हो। इवन यहाँ पे इनक्रप्शन का ऑप्शन भी दिया हुआ है। इनक्रप्शन में ये होगा कि ऐप वगैरह व्हाट्सएप वगैरह अगर आप यूज़ करना चाहते हो, उसे लॉक करना चाहते हो, तो आप इसे सिंपली लॉक कर सकते हो। तो आपका भाई वगैरह या फिर किसी के उससे ये अनलॉक नहीं होगा। पर ध्यान रखना कि रेडमी नोट 7 प्रो की तरह हो सकता है कि इसका भी फेस अनलॉक किसी और के चेहरे से खुल जाए, तो डबल सिक्योरिटी आप रखें तो काफ़ी अच्छा रहे। ऑनलाइन रिकॉग्नाइज अननोन नंबर का ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें, कि अगर आपके पास कोई कॉल आ रहा है तो ये ट्रू कॉलर की तरह रिमाइंड कर लेगा कि यार ये कॉल फर्जी है, तो इसको आप शो नहीं करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी है। अगर मोर में चलते हैं तो कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। स्क्रीन पिनिंग का फीचर है, जैसे आप किसी बच्चे को फ़ोन दे रहे हो तो स्क्रीन पिनिंग ऑन करके फ़ोन दे सकते हो, उससे ये होगा कि आपका बच्चा उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये काफ़ी कमाल के फीचर्स हैं। खैर हालांकि बैटरी में चल रहे हैं तो बैटरी में लो पावर मोड दिया हुआ है, जिसमें ये होगा कि आपके जो ऑटो लॉक सिस्टम या फिर जो भी वाईफाई वगैरह ब्लूटूथ वगैरह जो भी आपकी चीज़ें हैं, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो ऑफ हो जाएगी और आपकी बैटरी सेव करने लगेगा। इवन यहाँ पे सुपर पावर सेविंग का मोड दिया हुआ है, इसमें ये होगा कि केवल क्लॉक मैसेज फ़ोन और कॉन्टैक्ट वगैरह वर्क करेंगे और कोई भी चीज़ें वर्क नहीं करेगी। तो ये काफ़ी अच्छा है, अगर आप किसी केस में इमरजेंसी में होते हो तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। रैम एंड स्टोरेज में आपको दिखा देगा कि कितनी स्टोरेज आपने यूज़ की हुई है। अगर मोर सेटिंग में चलते हैं तो यहाँ पे ऐप मैनेजर दिया हुआ है। ऐप मैनेजर में जाने के बाद में आप डायरेक्टली सारी चीज़ें सारे ऐप्स हैं वो अनइंस्टॉल कर सकते हो। इवन यहाँ पे परमिशन मैनेजमेंट में आप देख सकते हो कौन सा एप्लीकेशन आपकी परमिशंस ले रहा है विदाउट यू नोइंग, मतलब आपको पता नहीं हो उससे पहले। कंट्रोल सेंटर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, और शॉर्टकट्स भी यहाँ पे लगा सकते हो कि कौन से शॉर्टकट्स आपको चाहिए बाहर, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इजी टच का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है आईफोन की तरह। अगर आप इजी टच इनेबल करते हो तो यहाँ पे एक, जैसे मैंने इनेबल किया तो यहाँ पे ये इजी टच का एक ऑप्शन आ चुका है। इससे आप किसी भी रिसेंट ऐप या किसी भी चीज़ में जाना चाहते हो, नोट डाउन करना चाहते हो, कोई नोट्स वगैरह बनाना चाहते हो, तो उस केस में आपको अच्छा काम करेगा। ये फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन का फीचर दिया हुआ है। फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन में ये होगा कि आपको कोई कॉल वगैरह या मैसेज वगैरह रिसीव होता है तो उस टाइम पे फ्लैश आपके ब्लिंक करने लग जाएगी, और उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि यार किसी का मैसेज आ रहा है या फिर किसी इंपॉर्टेंट कॉल का आपको रिसीव करना है। और अगर कुछ ई वारंटी कार्ड भी इसमें देने लगे हैं आजकल, ये ई वारंटी कार्ड अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एसेसिबिलिटी में चलें तो एसेसिबिलिटी में एक फीचर दिया हुआ है, जैसे एप्स का आप मान लीजिए ऑटो अपडेट करना चाहते हो, तो वाईफाई जैसे कनेक्ट होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन को अपडेट कर देगा। यहाँ पे इवन गूगल असिस्टेंट का फीचर भी दिया हुआ है, जैसे आप गूगल असिस्टेंट को कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो कुछ बटन्स के थ्रू, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कुछ और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे कलर इन्वर्जन का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप इसे इनेबल करते हो तो आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल ब्लैक सा हो जाएगा और आपको डार्क थीम की तरह ये वर्क करेगा। रिमूव एनिमेशन का फीचर दिया हुआ है, जो कि काफ़ी कमाल का, अगर आप इसे इनेबल करते हो तो आपका फ़ोन है वो थोड़ा फास्ट काम करने लगेगा, मतलब जो एनिमेशन आते हैं वो आपको शो नहीं करेंगे, तो थोड़ा फास्ट काम करने लगेगा। और कुछ और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे तो बाकी सारे फीचर्स आ चुके हैं। अब चलते हैं नीचे, नीचे कुछ सारे यहाँ पे ये सारे फीचर्स दिए हैं, स्मार्ट मोशन वगैरह, इनके बारे में आपको बता देता हूँ। स्मार्ट मोशन में ये होगा कि स्मार्ट वेक का फीचर दिया हुआ है, जैसे स्लाइड अपवर्ड टू अनलॉक, जैसे अप करते हो तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। साइड डाउन और टू, मतलब मान लीजिए आपने डाउन किया तो एक टेक ए फोटो का ऑप्शन हो जाएगा, मतलब जैसे आप स्क्रीन ऑफ कर रहती है, जैसे आप डाउन करते हो तो आपका फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने स्क्रीन ऑफ है, मैंने डाउन किया तो कैमरा ऑन हो चुका है। तो ये मतलब कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम में आ सकती हैं। यहाँ पे सी टू डायलर का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मैं इसे इनेबल करता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं इसे इनेबल किया, अब जैसे सी मैंने यहाँ पे बना देता हूँ तो डायलर है जो डायलर एक्चुअली वो ऑफ हो चुका है शायद, ये डायलर ऑन हो चुका है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। एम से म्यूजिक प्ले होगा, इवन यहाँ पे ई से ब्राउज़र ओपन होगा, डब्ल्यू से व्हाट्सअप लॉन्च होगा, एफ से फेसबुक लॉन्च होगा, एट द रेट से ईमेल लॉन्च होगी। तो ये काफ़ी कमाल के फीचर हैं। एयर ऑपरेशन का फीचर दिया हुआ है, जिसमें एयर अनलॉक का फीचर दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ से स्वाइप करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे स्वाइप किया
तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा, ये काफ़ी अच्छा है। ब्लैक स्क्रीन ग्लास का फीचर दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा है कि आपका फ़ोन का स्टेटस आप चेक कर सकते हो कि क्या स्टेटस आपके नोटिफिकेशन वगैरह कोई रिसीव तो नहीं हुआ ना आपको। तो ये कुछ फीचर्स है वो कमाल के हैं। खैर, स्मार्ट रन ऑफ, स्मार्ट कॉल का फीचर दिया हुआ है। स्मार्ट कॉल में ये होता है कि जैसे आप किसी कॉन्टैक्ट के पास में फ़ोन लाना चाहते हो तो उसको, मान लीजिए आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाइए, उसको सीधा कान के लगा लीजिए, मतलब जो कॉन्टैक्ट का नाम लिखा हुआ है उसको, उसके बाद में आपका कॉल उसको लग जाएगा। स्मार्ट आंसर का फीचर दिया हुआ है, डायरेक्टली आप कान के लगाते हो फ़ोन को तो उठ जाएगा फ़ोन। स्मार्ट स्विच का फीचर दिया हुआ है, अगर आप फ़ोन को कान से हटाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन है वो लाउड स्पीकर मोड पर चला जाएगा। स्मार्ट म्यूट का फीचर दिया हुआ है, इवन इसमें स्मार्ट म्यूट से ये होगा कि जैसे आपने हाथ को ऐसे स्वाइप कर दिया तो आपका फ़ोन है वो म्यूट हो जाएगा। ये काफ़ी कमाल का फीचर है। वेव टू हैंड्स फ्री का फीचर दिया हुआ है, जैसे आपको कोई फ़ोन आ रहा है तो आपके हाथ गंदे हो रहे हैं उस केस में काफ़ी कमाल का, आप सब्जी या खाना वगैरह बना रहे हो तो उसको आप स्वाइप कर दीजिए और आपका फ़ोन है वो अटेंड होके स्पीकर मोड पे चला जाएगा। स्मार्ट टर्न ऑन ऑफ का फीचर दिया हुआ है। तो राइज टू वेकअप का फीचर ये है कि जैसे आपने फ़ोन को ऐसे राइज किया, जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, फ़ोन को जैसे उठाओगे तो आपकी स्क्रीन है वो लाइट करेगी। डबल क्लिक टू लाइट का मतलब ये डबल क्लिक टू वेकअप का ऑप्शन हो चुका ही है। स्मार्ट की ब्राइटनेस मतलब अगर आप फ़ोन की तरफ देखते रहोगे तो आपके फ़ोन की ब्राइटनेस बढ़ती रहेगी, मतलब रहेगी हमेशा। खैर, डबल टैप टू टर्न ऑफ का फीचर दिया हुआ है। डबल टैप टू टर्न ऑफ में ये होता है कि जैसे आप डबल टैप करते हो तो आपकी स्क्रीन है वो डबल टैप टू मतलब ऑफ हो जाएगी। शेक टू टर्न ऑफ, टर्न फ्लैश लाइट का फीचर दिया हुआ है। जैसे ट्राई करते हैं, जैसे जैसे मैंने शेक किया तो खैर अभी इसकी फ्लैश लाइट जल नहीं रही है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, बट ये इसे आप फ्लैश लाइट जला सकते हो। स्मार्ट रिमाइंड का फीचर दिया हुआ है, अगर आपको जैसे फ़ोन को पिकअप करते हो, हालांकि कुछ फीचर्स इसमें कॉमन दिए हुए हैं, डबल डबल दिए हुए हैं, जैसे आप फ़ोन को पिकअप करते हो तो आपका फ़ोन में जो भी नोटिफिकेशन दिए हुए हैं वो आपको शो करेंगे। स्मार्ट मॉनिटरिंग में चलें तो यहाँ पे वीडियो मिररिंग, म्यूजिक मिररिंग आप लैपटॉप वगैरह में मतलब स्क्रीन कास्ट कर सकते हो एक तरीके से। स्मार्ट स्प्लिट का फीचर दिया हुआ है, इसमें ये होता है कि दो एप्लीकेशन आप एक साथ यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए स्मार्ट डायल है और यहाँ पर 3 बार मैंने डाउन किया, एक्चुअली ये सपोर्ट नहीं करता है। हम चलते हैं किसी प्ले स्टोर में, मैंने 3 बार इसे डाउन किया तो ये इसमें चला जाएगा और दो दो एप्लीकेशन आप एक साथ यूज़ में ले सकते हो। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर लगा मुझे, जो कि दो दो एप्लीकेशन आप इसमें यूज़ करना चाहते हो। तो अगर वन हैंडेड मोड का फीचर दिया हुआ है, इसमें ये होता है कि जैसे आप बाइक वगैरह चला रहे हो इंडिया में, खैर बाइक चलाते हुए मोबाइल चलाना आसान बात है पर ऐसा यूज़ मत करना क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो अगर आप बाइक चला रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपको मान लीजिए स्क्रीन को छोटी करके यूज़ करना है तो उस केस में काफ़ी कमाल का होता है। एज कैप्चर का फीचर दिया हुआ है, तीनों उंगली आप ऊपर लेके जाते हो तो स्क्रीन शॉट कैप्चर होगा, ये काफ़ी कमाल का फीचर है। एप क्लोन का फीचर इसमें दिया हुआ है, मतलब दो दो एप्लीकेशन आप यूज़ में ले सकते हो पर ये लिमिटेड है, कुछ ही एप्लीकेशन पर यूज़ होगा, सब पे ये यूज़ नहीं कर सकते हो आप। स्मार्ट क्लिक का फीचर दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है, अगर आप मान लीजिए कोई भी यहाँ पे कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए शेक करने पर ये हो, प्रेस एंड होल्ड करने पर ये हो, वॉल्यूम डाउन को करने पर ओपन कैमरा हो, तो ये कुछ कुछ कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। हालांकि फंटा चोस में आपको काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन दिया हुआ है, मतलब आपको मैंने तकरीबन 13 से 14 मिनट की वीडियो बना के बता दी किस फीचर से आप क्या कौन सा चीज़ कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कंटिन्यूसली मुझे बोलते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसलिए मैं डिटेल में सारी चीज़ें नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती, 30 मिनट की हो सकती थी, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।